भारतीय टीम के सबसे सफलतम कप्तान और विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का सबसे अनमोल नगीना कहा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को विश्व स्तर पर कई कामयाबियां हासिल करवाई हैं और भारत को क्रिकेट का हर फॉर्मेट में विश्व कप भी जितवाया है। इन दिनों महेंद्र सिंह धोनी अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल बुधवार को BCCI ने खिलाड़ियों की ग्रेड लिस्ट बनाई, जिसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिला। आपको बता दें कि BCCI की तरफ से इस बार A+ ग्रेड इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को रखा गया है और इस ग्रेड से महेंद्र सिंह धोनी को बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी को ग्रेड ए में रखा गया है, जिसके तहत उन्हें 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि मौजूदा समय में धोनी भारत के लिए सिर्फ एक दिवसीय और T20 मैचों में ही खेलते हैं। ऐसे में कई दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि धोनी को इतनी फीस नहीं मिलनी चाहिए। भारत के पूर्व कोच अनिल कुंबले ने भी धोनी की फीस पर कई बार सवाल उठाए थे। खैर, आपको बता दें कि धोनी को अब ग्रेड ए में रखा गया है और 2019 विश्व कप तक वो इसी ग्रेड में रहेंगे। खास बात यह है कि इतने बड़े खिलाड़ी को सबसे बड़े ग्रेड से बाहर करना BCCI के लिए भी काफी मुश्किल भरा फैसला रहा होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।